हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा तोमर ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। टुडे वी विल डिस्कस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दिस इज चैप्टर ऑफ क्लास 12th ऑफ ऑल बोर्ड्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। टुडे आई विल डिस्कस समरी ऑफ दिस चैप्टर विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल शेयर इन दिस वीडियो। So first of all, what will we discuss in this video today, that is classification of drugs, different types of drugs and soaps and detergent. This is whole syllabus of chemistry in everyday life. Classification of drugs, we can classify drugs in different ways. First, based on pharmacological effect, फार्मालॉजिकल इफ़ेक्ट के बेसिस पर इट इज़ यूज़फुल फॉर डॉक्टर्स, बिकॉज फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में ड्रग्स के बारे में डॉक्टर्स को बेनिफिट मिलता है। क्योंकि वो इसकी कौन सी ड्रग्स कहाँ यूज़ करनी है, कैसे उसका क्या होगा, यूज़ होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, ड्रग्स विच एक्ट एज ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस आर कैप्ट अंडर वन क्लास। थर्ड, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट यूजफुल, दैट इज फॉर मेडिकल केमिस्ट। सो दीज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन डेप्थ, but here we will discuss summary of this chapter only. Different types of drugs, there are lots of types of drugs and this section is very important for competitive exams. Antacids are control stomach acidity, like magnesium hydroxide. Antacids kya hote hain जो हमारे स्टमक में होने वाली एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स ली जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटासिड्स, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जो एसिडिटी का मीन्स होता है, हमारे स्टमक के अंदर एसिड का बढ़ना, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की नीड होती है। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, जो कि एक बेस होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी से हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। सेकेंड वन इज एंटी हिस्टामीन्स यूज टू ट्रीट एलर्जी, लाइक सेट्रीजीन। हमारी बॉडी में होने वाली एलर्जी को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, दे आर कॉल्ड एंटी हिस्टामीन्स, जिसका एक एग्जांपल है सेट्रीजीन्स। नेक्स्ट वन इज ट्रांक्यूलाइजर्स, दे आर यूज टू ट्रीट स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज़, लाइक डिजीज़ का नाम क्या होगा, मेडिसिन का नाम क्या होगा, इक्वानिल। कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि स्ट्रेस को और मेंटल डिजीज़ को, माइंड से रिलेटेड डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होती हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांक्यूलाइजर्स, लाइक इक्वानिल। एनाल्जेसिक्स रिलीविंग पेन, एस्पायरिन। द ड्रग्स विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन और रिलीविंग द पेन, दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। एंड इसके एग्जाम्पल होता है एस्पायरिन, जो आप लोगों के लिए बहुत फेमस हुआ, सभी के लिए, सभी ने सुना होगा एस्पायरिन। एंटीबायोटिक्स बहुत सुनने को मिलता है, और आज अभी कोविड के टाइम में तो एंटीबायोटिक्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेनिसिलिन ही थी, पेनिसिलिन को नहीं लिया जा रहा था एंटीबायोटिक में। बैक्टीरियोसाइडल डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स, ऐसी डिजीज़ जो कि बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स,
लाइक पेंसिलिन. पेंसिलिन इज द फर्स्ट ड्रग विच वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाई किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी. ये एंटीबायोटिक्स जो होती है, ये बेसिकली जो डिस्कवरी इनकी किसी बैक्टीरिया या फंगस से ही होती है, जिनसे ये डिस्कवर होती हैं, मीन्स कॉज होती हैं, उन्हीं से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रिपेयर की जाती हैं. बैक्टीरियोस्टैटिक डिजीज आर और दोज डिजीज विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स को की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए जो डिजीज जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, लाइक क्लोरोम फेनिकॉल, क्लोरा एम्फी निकॉल. नेक्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक्स. दे आर यूज टू किल माइक्रोब्स लाइक डिटॉल, और स्पेशली वुंड वगैरह को फिल करने के लिए ये यूज़ की जाती हैं. एंटी फर्टिलिटी कंट्रोल मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओव्यूलेशन ऑफ फीमेल्स. ऐसी डिजीज जो फीमेल्स को की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रोकने के लिए एंड ओव्यूलेशन को के से रिलेटेड होती हैं, मीन्स जो फर्टिलिटी के लिए यूज़ की जाती हैं, फर्टिलिटी को रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी डिजीज. दीज डिजीज आर फॉर वुमेंस स्पेशली. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक सैक्रीन एलिटम ETC. सैक्रीन आप लोगों का नाम सुना होगा. सैक्रीन इज मोर स्वीटर देन शुगर. फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंटिंग डिकेइंग ऑफ फूड लाइक सोडियम बेंजोएट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन CTET में कई बार पूछा गया है. विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव? तो आंसर होता है सोडियम बेंजोएट. और एक बार इसमें आंसर में सोडियम क्लोराइड भी था. तो यहाँ पे क्योंकि NCERT की बुक में दोनों ही आंसर दिए हुए हैं, सोडियम क्लोराइड भी, बट बेसिकली फूड प्रिजर्वेटिव की तरह कौन यूज़ होता है? सोडियम बेंजोएट यूज़ होता है. सो राइट सोडियम बेंजोएट. सो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड, ड्रग्स एंड अदर यूजफुल केमिकल्स विच इज यूज इन आर एवरीडे लाइफ. सो दिस इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड सब केमिकल्स. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सोप्स क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या बनाते हैं, होते हैं? सोप्स होते हैं. और सोप सोप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. टॉयलेट सोप्स, फ्लोटिंग सोप्स, मेडिकेटेड सोप्स, ट्रांसपेरेंट सोप्स, सेविंग सोप्स एंड लॉन्ड्री सोप्स. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस वी कैन क्लासीफाई सोप्स इन डिफरेंट कैटेगरीज. नेक्स्ट वन इज डिटर्जेंट्स. सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनते हैं क्या? डिटर्जेंट्स. एंड डिटर्जेंट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक एनायोनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयोनिक. ऐसे डिटर्जेंट्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं एनायोनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज से पार्टिकल से बने होते हैं कैटायनिक होते हैं, और जिन पे कोई चार्ज नहीं है वो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स भी होते हैं. तो डिटर्जेंट्स होते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. वी विल डिस्कस दीज ऑल पॉइंट्स, ऑल सिलेबस इन डेप्थ, बट हेयर डिफरेंट क्वेश्चंस, देर इज डिफरेंट क्वेश्चंस विच मैनी टाइम्स सी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जैसे मैंने बताया ये एंटासिड्स वाला कंट्रोल स्टोमक एसिडिटी, ये CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है.
तो ये वाला जो पार्ट है मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, यहाँ से आपको कि सी टैट के लिए तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से मैंने कितनी बार देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पेंसिलिन पे बहुत पूछा जाता है, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल पूछा जाता है, एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल पूछा जाता है, इवन पीजीटी केमिस्ट्री में भी इससे कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।